नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए नफरती नारों के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद बीजेपी सदस्य अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, विनोद शर्मा और दीपक कुमार को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी ओबीसी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा। ओबीसी से जुड़े इस विधेयक का कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। इस विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इसको कानून बनने के लिए राष्ट्रपति से सहमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने और फिर गजट में इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद ये कानून बन जाएगा। जातिगत जनगणना की मांग अब तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को और धार दे दी है। लालू ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि अगर जाति जनगणना नहीं करा जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दलित जनगणना का बहिष्कार करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी मोदी सरकार देश की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की गणना कराने से क्यों डर रही है? क्या इसलिए कि हजारों पिछड़ी जातियों की जनगणना से ये ज्ञात हो जाएगा कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग युगों से सत्ता प्रतिष्ठानों एवं देश के संस्थानों व संसाधनों पर कुंडली मार बैठे हैं? बीजेपी साल 2022 को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता उसकी चुनावी तैयारियों से चलता है। 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और पार्टी ने वहां सर्वे कराना शुरू कर दिया है। ये सर्वे नमो ऐप पर हो रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वे का सीधा फीडबैक मिलेगा। 5 चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं, जबकि 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। सर्वे में पूछा गया है कि विधानसभा चुनाव में जब आप वोट देंगे तो इनमें से कौन से मुद्दे आपके लिए अहम होंगे। मुद्दों में कोरोना महामारी को राज्य सरकार ने किस तरह संभाला, शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सफाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान कल्याण, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक, बिजली, रोड और ढांचागत निर्माण शामिल है। केरल में दोनों टीके लगवाए लोग भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में 40,000 से ज्यादा ऐसे लोग संक्रमित पाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह से टीके लग गए थे। अब ऐसे मामलों को केंद्र सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने को कहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो इसके पीछे नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इन मामलों से सवाल उठता है कि क्या ये वायरस अब वैक्सीन से मिली सुरक्षा को मात देने में सक्षम है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार को किन्नौर से हरिद्वार जा रही बस पहाड़ के मलबे में दब गई है। बस के अलावा 2 कारें भी इस मलबे में दब गई हैं। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक भर भरा कर नीचे गिर गया और सड़क पर जा रही बस और 2 कारें इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में करीब 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका है और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस हादसे में बड़े स्तर पर जनहानि हो सकती है। इस साल का मानसून पहाड़ी इलाकों के लिए बेहद खराब रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्य सचिव की पिटाई के मामले में आरोपों से बरी हो गए हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य 9 विधायकों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। दरअसल फरवरी 2018 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की गई। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को आरोपी बनाया गया था। ट्विटर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें 9 साल की दलित लड़की के माता पिता की तस्वीर थी, जिसका कथित तौर पर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के एक शमशान में बलात्कार और हत्या कर दी गई। ट्विटर की ओर से पेश वकील ने यह भी बताया कि ट्वीट को हटाने के साथ साथ ही राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया है। मालूम हो ट्विटर द्वारा राहुल के अकाउंट को लॉक करने के बाद से कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है।
त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी सांसदों अभिषेक बैनर्जी, दोला सेन और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ पुलिस को उनकी ड्यूटी में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की है। ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के अलावा बंगाल के मंत्री ब्रत बसु और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि 14 टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद ये लोग पुलिस थाने पर पहुंचे और टीएमसी नेताओं के समूह ने अतिरिक्त एसपी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर चिल्लाया भी। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बदख्शान पर कब्जा कर लिया है। 6 दिनों के अंदर यह 8वां प्रांत है जिस पर इस चरमपंथी गुट ने नियंत्रण कर लिया है। बुधवार की सुबह बदख्शान की राजधानी फैजाबाद पर तालिबान का कब्जा हो गया। बदख्शान सामरिक रूप से बेहद अहम राज्य है क्योंकि ये ताजिकिस्तान से सटा हुआ है और इसकी सीमा चीन और पाकिस्तान से भी मिलती है। इसके साथ ही तालिबान कब्जे वाले देश के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि तालिबान लड़ाकों ने अपने नियंत्रण के इलाके से लड़कियों का अपहरण किया है और उनसे जबरन निकाह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं से कहा है कि वो एक साथ आकर तालिबान के खिलाफ लड़ें। बाइडेन ने कहा है कि अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से अधिक है और उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने देश के लिए लड़ना होगा। इसके साथ ही बाइडेन ने ये देखते हुए कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया और हजारों सैनिकों को खो दिया, उन्होंने कहा कि हमको अफगानिस्तान से अपने सैनिक बुलाने पर कोई अफसोस नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।